What's up YouTube? Welcome back to another video. And in this video, it's all about a food test video, okay? So this video is going to be totally different. Usually we make some videos like challenges and eating stuff, but this is a taste test challenge. And Hamza has no idea what I'm going to give him. So I just found a weird food in Pakistan, so I bought for him. So he's going to try and tell his honest opinion. He has never seen this fruit, or neither I. I was just passing by and I saw this and I thought that it was a lemon. There's a bunch of lemon in there selling this, but when I came nearby, they said it's not a lemon, it's a fruit. So now I'm going to it's him. A fruit? Yes, it's a fruit. So now I'm going to give him what it tastes like, okay? Okay, let's do this thing. I'm ready. Because I have never seen... Oh, yeah, cheese. Hai. Hai cheese. ये देखने से मुझे कुछ लग रहे हैं क्या मैं अभी रिवील कर सकता हूं बताओ क्या लग रहे हैं ये मुझे लग रहे हैं आम क्या ये आम है नहीं ये आम नहीं है क्योंकि देखो ना ये इसकी जो किन है और अंदर से जो दिख रहा है वो येलो येलो बिल्कुल आम जैसा सही है सो गाइस अब हम इनको ट्राई करते हैं खाने में कैसे हैं चलो इसकी स्किन पील ऑफ करनी है कि नहीं नहीं बस ऐसे ऐसे खाना है माशाल्लाह ये मीठा ही है ना कैसा है मेरा ये शायद मीठा नहीं है क्या जाएगा इसका स्वीट सा है और मैं दूसरा ट्राई करता हूँ ये मीठा नहीं है मुझे इनका नाम भी नहीं पता मैंने इसकी अगर बात की जाए तो मुझे पता भी नहीं है क्या आई एम जस्ट ईटिंग इट आदमी से पूछना था ना दुकानदार मैंने उनसे ये पूछा लेमन तो नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं है वो नहीं है फिर मैंने कहा ये पीस तो नहीं है पीस की नस्ल के कोई फ्रूट हो सकता है कहते नहीं ये पीस भी नहीं है मुझे लग रहा था इसके बाद हल्के से ना बाल हैं छोटे छोटे शायद मैं सिर्फ बताऊँ तो मुझे दूर से आम लग रहा है और अगर इनकी अगर छोटा सा आम अगर हम इनकी शेप देखें तो शेप एकदम इनकी पियर जैसी है नाशपति बिल्कुल नाशपति जैसी इनकी शेप है ऊपर से नैरो टिप और नीचे से एकदम राउंड और इसका कलर बिल्कुल मैंगो जैसा है अच्छा टेस्ट है ओवरऑल आप इसके इसके बीज जो सीड्स हैं इनके काउंट तो करो वो काफ़ी बड़े सीड्स हैं इनके और वो भी एकदम आलमंड जैसे बस ये इसके सीड्स हैं सही है इतना बड़ा दो तीन चार चार एकदम आलमंड जैसे सीड्स हैं इसके अगर देखे जाए तो बहुत ही छोटे से स्लिपरी बहुत ही ये अंदर से सही है तो अब हम आप हमें बताओ कि आप इनको टेन कितने रेटिंग देते हैं आउट ऑफ टेन टेन के स्केल से अगर देखा जाए तो कितनी रेटिंग ये इतना इनका टेस्ट तो इतना बुरा नहीं है तो नाइन दे देता हूँ सही है ये भी अच्छा है और क्या और दूसरा सवाल बहुत ज़्यादा कीमती सवाल आपका क्या क्या आप इनको रोज़ खाना पसंद करेंगे हाँ यानी अगर रोज दिए जाए तो आप खा लोगे अगर मीठे हों अच्छे क्योंकि दो तीन थोड़े टेस्टलेस और कड़वे कड़वे भी हैं आई मीन खट्टे सॉरी खट्टे है ना और इसके अंदर भी थोड़ा स्पाइसी बन भी फेल्ट हुआ है स्पाइसी हाँ यानी इसे थोड़ी मिर्ची टाइप हो बट हर दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक दिस वीडियो एंड Be sure that you are subscribed to this channel and you have pressed down the notification bell icon so you would never miss our any video. So this is the video Weird Food of Pakistan. Thank you for watching. You're watching DaanuHammu. So guys, tell me in the comments what you gonna name this fruit and what's the name of this fruit exactly. And hope you like this video and comment down below very positively. I need like on this video. I think give me 100 like and I'll post more of this kind of video. Whatever food I found in the haul and hope you like this video.